कहानियों से हम सभी का बहुत लगाव है ना, स्पेशली पंचतंत्र की कहानियाँ। जैसे ये शब्द हमारे कानों तक आते हैं, हम में से हर कोई अपने बचपन के दिनों में चले जाते हैं। सो रेडियो सिटी 91.1 एफएम पे मैं हूँ आरजे बरखा। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम, और लेकर आई हूँ आप सभी के लिए पंचतंत्र की कहानी। बहुत सारी छोटी छोटी किस्से, कहानियों के थ्रू हम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे लेसन दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज बताना चाहती हूँ इस वीडियो में कि पंचतंत्र की कहानी क्यों लिखी थी, इसके पीछे वजह क्या थी। तो चलते हैं आज से करीब 2000 साल पहले। भारत के दक्षिण हिस्से में अमर शक्ति नाम के राजा थे, उनका शासन था। उनके तीन पुत्र थे, उग्र शक्ति, बहु शक्ति एंड अनंत शक्ति। बट वो तीनों अपने नाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं थे, आप मूर्ख कह सकते हो। और सबसे बड़ी बात, राजा के पुत्र होने के कारण बहुत अहंकारी भी थे। और राजा को यही बात बहुत खलती थी कि कल जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चे मेरे राज्य को, साम्राज्य को कैसे संभाल पाएंगे। तो वो सोचते हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं अपने तरफ से कि थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज दें, थोड़ा समझाएं सिखाएं कि बच्चे ठीक हो, लेकिन उन्हें ज्यादा मतलब सफलता हासिल नहीं लगी। फिर उन्होंने मंत्रिमंडल बुलाई और मंत्रियों के साथ सामने ये बात रखी कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो एक मंत्री ने सजेस्ट किया कि महाराज, अपने ही राज्य में पंडित विष्णु शर्मा जी, जो सर्व शास्त्रों के ज्ञाता है, बहुत बड़े ब्राह्मण है, बहुत बड़े विद्वान है, क्यों नहीं आपके बच्चों की ट्रेनिंग या शिक्षा कहें कि उस मतलब पंडित विष्णु शर्मा जी से कराई जाए। राजा बोलते ठीक है, बुलाया जाए। तो फिर पंडित विष्णु शर्मा महाराज के दरबार में हाजिर होते हैं, और फिर महाराज उनसे कहते हैं, अपनी प्रॉब्लम रखते हैं और बोलते हैं कि इसके बदले आप मेरे बच्चों को शिक्षा दीजिए, मैं आपको 100 गांव दूंगा। लेकिन पंडित विष्णु शर्मा जी 100 गांव लेने वाली जो बात होती है उसको मना कर देते हैं, लेकिन कहते हैं, महाराज मैं आपके बच्चों को सिखाऊंगा जरूर, पढ़ाऊंगा जरूर, हाँ इसी में 6 महीने के लिए चैलेंज लेता हूँ, 6 महीने में मैं आपके बच्चों को पूरा बदल कर रख दूंगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो आप मुझे मृत्यु दंड देना। और फिर वो उन तीनों बच्चों को लेकर अपने आश्रम चले जाते हैं। और फिर यही छोटी छोटी कहानियों के थ्रू पंचतंत्र की कहानियां जो बनी है, जानवरों की कहानियां, चील कौओं की कहानियां, इन कहानियों के थ्रू वो बच्चों को ट्रेन करना शुरू करते हैं, और पंडित विष्णु शर्मा अपने ट्रेनिंग में सफल होते हैं। तो वही कहानियों को एक साथ संग्रहित कर हम आपके सामने पंचतंत्र की कहानियां लेकर आए हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी चलिए आपको इस एपिसोड में मैं सुनाती हूँ। पंचतंत्र का पहला तंत्र जो है वो मित्र भेद के आसपास वो कहानी लिखी गई है, और कहानी का शीर्षक है बगुला, भगत और केकड़ा। एक्चुअली होता क्या है कि एक जंगल में बहुत मीठे पानी का एक सरोवर था, बहुत ही मीठा जल, खाने पीने की बहुत सारी चीजें मतलब अच्छी मात्रा में थी, इसीलिए ढेर सारे जानवर, पशु पक्षी, मछली, कौवा, केकड़ा, कछुआ सब उसी तालाब के आसपास रहते थे। वहां पे एक बगुला भगत भी रहता था। तो धीरे धीरे ना मतलब बगुला भगत को लगा कि यार कितना काम करेंगे, अब थोड़ा कुछ ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि बैठे बिठाए खाने को मिल जाए और ज्यादा मछलियों को पकड़ने के लिए मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़े। तो बगुला भगत ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। फाइनली वो रात भर जाग कर इधर उधर चलकर एक कंक्लूजन पे आता है, और अगली सुबह क्या करता है कि वो मीठे पानी का जो तालाब है, जो सरोवर है, वहां पे वो किनारे में खड़ा होकर, एक पांव पे खड़े होकर आंसू बहाने लगता है, रोने लगता है, बहुत ही मतलब इमोशनल वे में किसी को कैसे फूल बनाते हैं उस टाइप से। तो उसका फ्रेंड जो केकड़ा था, केकड़ा उसके पास आता है और कहता है, मित्र तुम क्यों रो रहे हो। तो बगुला भगत बोलता है, बहुत पाप किया है मैंने मित्र, बहुत मछलियों को मारा है, देखो आज मेरे सामने से मछलियां जा रही हैं, मैं किसी को नहीं मार रहा हूँ, अब मैं सेवा भाव की भावना से अब मैं अपना जीवन यापन करना चाहता हूँ। तो केकड़ा बोलता है, ठीक है मित्र, लेकिन तुम मछलियां नहीं खाओगे तब तो तुम मर जाओगे, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। तो बगुला भगत बोलता है, नहीं मित्र, अब हमसे नहीं होता है, और वैसे भी हम सब मरने वाले हैं, ये अभी मेरे पास एक त्रिकालदर्शी महाराज आए थे और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द यहाँ पे ये सारा पानी जो है सूख जाने वाला है, सब जानवर मर जाने वाले हैं, तो बचा खुचा जो समय है मैं उसको सेवा भाव से, धर्म भाव से बिताना चाहता हूँ, क्योंकि मरना तो हम सबको है। केकड़ा ये बात सुनकर अपने बाकी मित्रों के पास चला गया, मछली कछुआ जितने भी अजीव जंतु वहां रहते थे, कि भाई ये तो ऐसा ऐसा बोल रहा था, हम लोग सब मरने वाले हैं, पानी सूखने वाला है।
अब वो तालाब के आसपास रहने वाले सभी जीव जंतु परेशान हो गए और बगुला भगत के पास चले गए कि भाई अब इतना बता दिया तो अब ये भी बताओ हम क्या करें, हम अपना जीवन कैसे बचाएं। तो बगुला भगत बोलता है, पहले तो अंदर ही अंदर मुस्कुराता है कि मैं अपने प्लानिंग में सक्सेसफुल हो रहा हूँ। फिर बोलता है, बगल में थोड़े दूर में एक झरने का पानी वहाँ गिरता है और वहाँ पे भी बहुत अच्छा पानी है, बहुत अच्छा तालाब है और खाने पीने की भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हम में से हर कोई धीरे धीरे वहाँ चले जाए तो हम लोगों को फिर एक नया जीवन मिल जाएगा, हम लोग जल्दी नहीं मरेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मछलियाँ वगैरह या छोटे छोटे जीव जंतु यहाँ से वहाँ जाए कैसे, इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करें कैसे। तो बगुला भगत ये भी बोलता है कि तुम लोग परेशान मत हो, अब मैं अपना जीवन बस सेवा भाव में बिताने वाला हूँ, तो मैं एक एक करके तुम लोगों को अपने पीठ पे टांग के लेके जाऊंगा और उस तालाब तक पहुँचा दूंगा। अब तो सारे जीव जंतु बगुला भगत की जय हो जय हो जय हो जयकारा गूंजने लगा और बगुला भगत अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। पर उसके मन में क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता था। अब अगले दिन से क्या हुआ कि बगुला भगत के पास बोला, चलो एक एक करके मैं सबको पहुंचाता हूँ। अब आज एक जंतु को उठा ले, कोई भी पानी का एक छोटा सा जीव जंतु उठा ले, उसको पीठ पे टांगे और दूर जाकर जब इस सरोवर से वो ओझल हो जाए, दूर जाकर एक चट्टान पे एक पत्थर पे उसको पटक पटक के मार देता और खाना खा लेता। किसी दिन ज्यादा भूख लगती तो दो राउंड मार लेता कि चलो उसको पहुंचा के आ गया, अब मैं तुमको पहुंचाने जाता हूँ। इस तरीके से धीरे धीरे बगुला भगत रोज जैसी उसको भूख लगे, मेहनत तो करना नहीं है, जाता पत्थर पे उसको पटकता मारता। एक दिन आते समय सोच रहा था कि दुनिया कितनी मूर्खों से भरी है, जब तक ये मूर्ख लोग रहेंगे दूसरों की बात पे भरोसा करेंगे, हमारे जैसे लोग ऐसे ही अपनी रोटी सेकते रहेंगे। अब आई उस केकड़े की बारी। केकड़े ने बोला, भाई तू मुझे कब पहुंचाएगा, मेरी बारी कब आएगी। तो बगुला भगत बोलता है, जो कि उसका मित्र था, भाई आज तेरी ही बारी है, चल तुझे मैं उस सरोवर तक छोड़ कर आता हूँ। फिर केकड़ा भी उसके पीठ पे बैठ गया। अब बगुला भगत चल रहा है चल रहा है, फिर उसी जगह पे आया जहाँ वो चट्टान, जहाँ पे वो सबको पटकता था मार देता था। लेकिन केकड़े को तो ऐसा नहीं लगा, पर वो देखा कि यहाँ पे सारे हड्डी वड्डी बिछे हुए बहुत सारा, ये क्या है। फिर बोलता, भाई सरोवर का पानी कब आएगा, कितने दूर से तू मुझे ले जा रहा, और देख कितने सारा हड्डी वड्डी पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो बोला, मित्र यहाँ पे कोई सरोवर वरोवर नहीं, मैं यहाँ लाता हूँ, जानवरों को मारता हूँ, खाता हूँ, पेट भर लेता हूँ, और आज तेरी भी बारी है। केकड़ा उसके पीठ पर से ही बोलता, भाई तू तो मेरा मित्र है, तू तो ऐसे नहीं कर सकता। पर वो बोलता है, मित्र पेट बड़ा पापी चीज है। बट केकड़ा उसके पीठ पे ही था, धीरे धीरे वो उसकी गर्दन को ऐसे मरोड़ता है और तब तक मरोड़े रहता है जब तक कि उस बगुला भगत की मृत्यु नहीं हो जाती। फिर वहां पे बगुला भगत मर जाता है। केकड़ा वापस जाता है अपने सरोवर में और बोलता है बगुला भगत की सारी कहानी कह सुनाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत पाखंडी था, बहुत धोखे वाला आदमी था, जितने लोग चले गए कोई बात नहीं, पर अब हमें किसी की बात में नहीं आनी। नाउ कहानी खत्म होती है। इस कहानी से दो सीख मिलती है। सीख, पहली सीख ये कि कभी भी दूसरे की चिकनी चुपड़ी बातों में या आपका क्या फायदा हो रहा है जो सिर्फ आपको आपकी बात दिखा रहा है, उनकी बातों में ना आए। हो सकता है कि वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के थ्रू आपको मूर्ख बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि केकड़े ने, वो चाहता तो घबरा जाता और सही समय पे सही स्टेप अगर वो नहीं उठाता तो उसकी भी कहानी खत्म थी। तो कभी कभी स्पेशली मुसीबत की घड़ी में अपना आपा मत खोइए, धैर्य से काम लीजिए, हिम्मत से काम लीजिए, हर लड़ाई जीत लेंगे आप। आज की कहानी इतनी, अगली कहानी के साथ अगले एपिसोड में सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 रग रग में रेडियो सिटी। और कहानियों के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।